दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप अभी देख रहे हैं वह ग्वाटेमाला का रहने वाला है और जो कि एक दुर्लभ तरह की अज्ञात बीमारी से पीड़ित है। अपने शरीर के अंदर हुए केमिकल इम्बैलेंस की वजह से इसका शरीर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है। खैर, ये दुर्लभ अवस्था वाला इस दुनिया का अकेला इंसान नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे दुर्लभ इंसान मौजूद हैं जो लाखों में एक हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही दुर्लभ इंसानों के बारे में। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। नंबर 7। दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह रवांडा का रहने वाला ज़ेनज़िमान एली है, जो कि एक दुर्लभ तरह के बॉडी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, जिसकी वजह से इसका सिर इसके शरीर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अपनी इसी अवस्था के लिए ज़ेनज़िमान को हर दिन अपने गांव के कुछ बेकार लोगों द्वारा शोषित किया जाता है, और इसी वजह से यह करीब 32 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके अपना सारा दिन जंगल में गुजारता है और घास खाता है। एक तरफ जहाँ सारे गाँव के लोग उसे बदसूरत और बेकार समझते हैं, तो वहीं ज़ेनज़िमान की माँ उसे भगवान द्वारा दिया गया आशीर्वाद समझती है, क्योंकि ज़ेनज़िमान 5 बच्चों के गुजर जाने के बाद पैदा हुआ था। अब आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि ज़ेनज़िमान और उसकी माँ अपना गुजारा कैसे करते होंगे। वेल, अपने गांव वाले द्वारा तिरस्कार झेलने के बाद ज़ेनज़िमान और उसकी माँ ऑनलाइन मददगार लोगों से डोनेशंस मांगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से दयालु लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल देंगे। नंबर 6। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि इस दुनिया में अजीब बॉडी डिसऑर्डर का सामना कर रहे ज़्यादातर लोग दुनिया के सामने खुद को उजागर नहीं करते और अपनी ज़िंदगी छिपकर गुजारते हैं। लेकिन अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोलंबिया में रहने वाली लेडी अर्डिला खुद को समाज से छिपाती नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से ना सिर्फ खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती हैं, बल्कि बॉडी पॉजिटिविटी को भी बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, अर्डिला का फेस आकार में इसलिए बड़ा हो गया था क्योंकि बचपन में वह एक बहुत ही जटिल हार्ट सर्जरी से गुजरी थी, जिसके बाद उनके शरीर में एक अलग तरह की इलनेस उत्पन्न हो गई थी, जिसमें उनके शरीर में हड्डियों की जगह फाइब्रोस टिश्यूज उत्पन्न हो गए थे। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि लेडी के बारे में डॉक्टर्स का यह कहना था कि वह सिर्फ 12 साल तक ही जी पाएंगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आज वह 29 साल की हैं और एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर जॉब करती हैं, जहां उनके दोस्त उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। नंबर 5। जिस व्यक्ति के बारे में आप अब जानने वाले हैं उसकी कहानी वाकई में इज्जत के काबिल है, क्योंकि इज़ह अकोस्टा नाम के इस व्यक्ति का जबड़ा नहीं है और इसके पास कोई आवाज़ भी नहीं है। अपनी पैदाइश के समय किसी शारीरिक कमी के चलते इसका चेहरा बिगड़ गया था, जिसके बाद यह एक स्पेशल ट्यूबिंग की मदद से सांस ले पाता है। हालांकि अगर आप सभी को लगता है कि इस दिक्कत से एकोस्टा की ज़िंदगी में बदलाव आया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वह एक सामान्य इंसान की तरह ही अपनी ज़िंदगी मज़े के साथ जीता है। शायद ही आपको पता हो कि इज़ह अकोस्टा को नए नए कपड़े और जूते पहनने का शौक़ है, क्योंकि वह खुद को एक फैशन स्टार बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, वह तरह तरह के गैजेट्स और हाथों के इशारों से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाता है और ख़ुद के लिखे गाने भी गाता है, जो कि काबिले तारीफ हैं। नंबर 4। दोस्तों, अगर किसी आदमी के शरीर में महिलाओं की तरह ही स्तन उत्पन्न हो जाएं, तब उसे देखकर आपको ज़रूर हैरानी होगी। वेल, अब आप ज़रा इस वीडियो क्लिप को देखिए, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो क्लिप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही असामान्य है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्लिप में दिख रहा यह चाइनीज़ आदमी वैसे तो हर तरह से एक आदमी ही है, पर इसके शरीर पर महिलाओं की तरह ही बड़े बड़े स्तन हैं, जो इसे एक बहुत ही अजीब आदमी बनाते हैं। हालांकि इस सबसे परेशान होकर जब इस व्यक्ति द्वारा अपना टेस्ट कराया गया, तब पता चला कि इसके स्तनों पर बहुत ही ज़्यादा फैट जमा है, जो कि इसके स्तन को बड़ा आकार दे रहा है। नंबर 3। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि भगवान द्वारा दिए गए अपने रंग रूप से खुश नहीं होते हैं, और शायद इसी वजह से वह तरह तरह के गलत तरीके अपनाकर अपना रंग रूप बदलने की कोशिश करते हैं। अब यूक्रेन की रहने वाली इस मॉडल को ही देख लीजिए, जिसका नाम एनास्टिया पोकरशुक है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि एनास्टिया द्वारा अपने चेहरे पर केमिकल युक्त इंजेक्शनों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद उसके गाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं
और दुनिया के सबसे बड़े गाल बन गए हैं। खैर, एनास्टिया यहाँ भी रुकना नहीं चाहती, क्योंकि वह अपने गालों को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहती है, क्योंकि उसके मुताबिक तभी वह सुंदर लग सकती है। आज अगर उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कॉस्मेटिक्स की बात की जाए तो उसे खुद याद नहीं कि उसने अपने चेहरे पर कितना कुछ अप्लाई किया है। एक समय था जब वह भी सामान्य इंसानों की तरह ही लगती थी, पर उसे अपना वह रूप पसंद नहीं था, जिस वजह से उसने अपने स्वरूप को बदल लिया। आज एनास्टिया 32 साल की है और उसने जब 26 साल में अपना पहला इंजेक्शन यूज़ किया था तब से वह नहीं रुकी और 6 सालों में अपने चेहरे पर लाखों रुपये खर्च कर चुकी है, वो भी दुनिया की परवाह किए बगैर। नंबर 2, जब भी किसी इंसान के शरीर का रंग बहुत ही ज़्यादा काला होता है तब बहुत से लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन सूडान में जन्मी नयाकिम गेटविच को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए उसका रंग ही उसकी पहचान है। पेशे से एक अमेरिकी मॉडल, नयाकिम को क्वीन ऑफ द डार्क के नाम से भी जाना जाता है और वह बहुत से डार्क रंग वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह आज न सिर्फ काले लोग बल्कि गोरे लोगों के लिए भी एक आइकन बन चुकी है, जिसके इंस्टाग्राम पर करीब 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। नंबर 1, हमारी दुनिया में बहुत से लोगों की यह सोच होती है कि फेमस और सक्सेसफुल बनने के लिए इंसान का सुंदर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हालांकि असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की इस दुनिया में आपका हुनर ही आपको फेमस बना सकता है। मिलिए रॉबर्ट होस से, क्योंकि एक बहुत ही उम्दा मीडिया पर्सन होने के साथ साथ चर्चित पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं। अपने बचपन में फेस पर हुई एक ट्यूमर सर्जरी और पैर गंवाने के बाद भी वह बिल्कुल नहीं रुके और उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और दुनिया को बताया कि मन की ताकत के आगे शारीरिक ताकत के कोई मायने नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।